दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्लिपकार्ट में जो गिफ्ट कार्ड बैलेंस होता है उससे आप कोई भी प्रोडक्ट बड़ी आसानी से कैसे बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यह जो फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड होता है इसमें जो बैलेंस होता है इसकी कुछ एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, अगर इस एक्सपायरी डेट के अंतर्गत आपने इस बैलेंस को यूज नहीं किया तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। मेरे पास दो गिफ्ट कार्ड है जिसमें टोटल बैलेंस 537 रुपीज़ है। इसे हम एक प्रोडक्ट को बुक करते हैं और वहाँ पर इसके पैसा हम पे कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्रोडक्ट को हम चूज करते हैं। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या है, बैक आना होगा और होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। मुझे जैसा कि अभी मुझे रिक्वायरमेंट है एक ब्लूटूथ का, ठीक है, और जैसा कि देख रहे हैं यह होम फीचर्स है और इसमें मैंने ऐड कार्ड कर चुका है पहले ही सर्च करके जो मुझे लेना है। तो सिंपली हम इस पे जो है क्लिक करेंगे और देन कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यह जो ब्लूटूथ है काफ़ी मॉडर्न है और काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो इसे हम बुक करते हैं और बुक जो इसकी जो पैसा पे करेंगे वो गिफ्ट कार्ड बैलेंस से ही करेंगे। ठीक है, आपको बता दें फ्लिपकार्ट रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को देख के आप अपने बड़ी आसानी से कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप करेंगे क्या, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं और देन कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऊपर एड्रेस वगैरह दिख जाएगा, नीचे कब डिलीवरी है, इसमें कुछ डिलीवरी चार्जेस भी लिया जा रहा है। ठीक है, और देन आप सभी चीज़ें देख लेंगे और नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको कंटिन्यू कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस पेमेंट के ऑप्शन पे ला देगा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ जो पेमेंट का ऑप्शन पे आ गया है। अब यहाँ पे देखिए यूपीआई से अगर आप करते हैं तो आपको 2% एक्स्ट्रा जो है आपको चार्ज देना पड़ेगा। टर्म कंडीशन जैसा आप चेकआउट कर सकते हैं। अब मुझे देखिए मेरा पे लेटर भी यहाँ पे जो है ऑन हो चुका है और हम बात करें तो यह गिफ्ट कार्ड है। ठीक है, इसमें मेरा 537 रुपीज़ है तो मुझे यहाँ पे 539 रुपीज़ जो है पे करना है, तो 2 रुपीज़ जो है मुझे अदर कार्ड वगैरह से करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यह पैसा अभी समाप्त तो होने वाला है तो आप देखते रहिए वीडियो को कंटिन्यू। तो देन हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यह जो बैलेंस है इसमें डिडक्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है 0 अमाउंट हो चुका है क्योंकि हमने इसे पे कर दिया है। ठीक है, 0 हो चुका है और 2 रुपीज़ जो है मुझे और पेमेंट करना है, तो हम यह कार्ड चेक कर देते हैं और कार्ड चेक करने के लिए मुझे यहाँ जो है CVV देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे फिल कर देते हैं जिससे मुझे 2 रुपीज़ यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा और देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे मुझे आगे का प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए कार्ड का यहाँ पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP भेजा गया, उस OTP को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा OTP आ चुका है जो कि दूसरे मोबाइल में वह सेट है सिम, तो इसलिए इसमें नहीं दिया है। ठीक है, अभी मैंने इस OTP को यहाँ पे फिल कर दिया है और यहाँ पे 2 रुपीज़ कटा है। ठीक है, कितना 2 रुपीज़ यहाँ पे हमको देना है और देन इसे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आगे का प्रोसेस हमको यहाँ पे दिखाएगा जो कि पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे फाइनल हो गया है। ओके, तो आप देखते रहिए विंडो यहाँ पे फीचर्स जो है आगे बढ़ रहा है, वीडियो में स्किप नहीं कर रहा। और ये देखिए पेमेंट जो यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे आप देखेंगे तो सभी चीज़ें यहाँ पे जो है ऑर्डर वगैरह समरी वगैरह सभी चीज़ यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो चुका है और इसमें 10 सुपर कॉइन मुझे अर्निंग भी हुए हैं। ठीक है, और यह एक ऑर्डर है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यह 9 दिसंबर 2022 को ये डिलीवर भी हो जाएगा। यह नीचे एड्रेस है। अब हम बात करें तो कंटिन्यू ऑप्शन है, यहाँ पे शॉपिंग पे चलते हैं तो वो अब गिफ्ट वाउचर आपको दिखा देते हैं, गिफ्ट कार्ड उसमें बैलेंस मेरा 0 हो चुका होगा। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, ऊपर की जो 3 लाइन की डॉट है उसे हम क्लिक करेंगे और माई अकाउंट पर चलेंगे। माई अकाउंट पर चलने के बाद न्यू इंटरफेस आएगा, इसे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो सेव्ड कार्ड एंड वैलेट होगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जो टॉप में देखेंगे वहाँ पे मेरा इसकी जो गिफ्ट कार्ड बैलेंस है वो आपको शो होगा। और गिफ्ट कार्ड बैलेंस की हम बात करें तो यहाँ पर 0 रुपीज़ शो हो रहा है जो कि आप यहाँ पर लाइव देख रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लाइव देख रहे हैं। ठीक है, ये मेरा इसमें का जो पैसा है वो समाप्त हो गया है। तो गिफ्ट कार्ड की जो बैलेंस है कोई शॉपिंग वगैरह में आप बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही बता दें
फ्लिपकार्ट के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट करना है तो एक मेल आईडी है, उसमें मैं काफ़ी अच्छी डिटेल्स में वीडियो बनाया हूँ। समस्या का समाधान बिल्कुल 100% होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो को देख के आप कंप्लेन कर सकते हैं और अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। टेक केयर, बाय बाय।